हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूँ। तो हम आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता। आज से जो आपका फॉर्म है भरना स्टार्ट हो गया, तो कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या इसके डॉक्यूमेंट उसको लगेंगे, डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे। स्टेप टू स्टेप यहाँ पे बात करूँगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरते जाना है। यहाँ पे पहले बात बताऊँ तो इसको जो शर्तें वगैरह इसको एक बार मैं अपलोड किया तो उसको नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा क्या इसके क्राइटेरिया वगैरह है, इसको इसमें क्या क्या नियम शर्तें हैं। इसमें 2.5 लाख का आपको इनकम नहीं होना चाहिए, फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर आपका इनकम नहीं होना चाहिए, आपका खास इसमें 2 साल का पंजीयन होना चाहिए तब आपको इसको बेरोजगारी भत्ता में पात्र हो पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन इसी तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए जाएगा 10,000 रुपये मासिक आय, उससे अधिक पेंशन भोगी परिवार है उनको भी नहीं दिया जाएगा। आयकरदाता परिवार अगर होते हैं तो उनको भी यहाँ पर पात्र कर दिया जाएगा। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेशेवर आदि परिवार से बिलोंग करते हैं तो उनको भी अपात्र कर दिया जाएगा। तो आपको अच्छे से बराबर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम और शर्त। आवेदन की प्रक्रिया कैसे आपको आवेदन की प्रक्रिया करना है, तो केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको। रोजगार का लेख, पंजीयन क्रमांक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, आधार राशन कार्ड होना चाहिए, दोनों में से एक चल जाएगा। बैंक खाता और जानकारी होनी चाहिए, आपको डिटेल भरना है आपको। आपका जो भी बैंक में अकाउंट खुलवाए होंगे तो आपके डायरेक्ट खाता में पैसा आएगा। कौशल प्रशिक्षण हेतु चाहे से आपका इसमें दिया रहेगा, आप कौन से फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो ये आपका दिया जाएगा। अब अगला देख, इसके बाद देखते हैं अपलोड। जो आपके पास दस्तावेज रहेंगे उसको अपलोड PDF बना के अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको रोजगार पंजीयन होना चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट इसमें लगेगा, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र, और आपको लास्ट में फ़ोटो होना चाहिए, वो भी आपका
पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, सेल्फी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसको याद रखिए। तो इसी तरह को इस बार ये आपको नियम शर्त वगैरह एक बार इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको सीधा कहाँ जाना है, तो हमें सीधा आपको नया खाता बनाने में जाना है। तो आपको चलिए वेबसाइट में नया खाता यहाँ पे साइड में दिया है, देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो नया खाता में जाना है आपको, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसमें आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जाने के बाद ऐसे नया खाता बना करके आ जाएगा पेज। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और आपके जो भी आपका मोबाइल नंबर है इसको भर देना है। तो चलिए इसमें मोबाइल नंबर जो भी आपको भर देना है, तो आपको मोबाइल नंबर भर देना है, वो जिसमें आपको नंबर में OTP जाएगा, तो इसको आप सबमिट कर देना है। तो इसको सबमिट कर दे, सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, साथ ही साथ इसमें लॉगिन कर चुका है एक बार तो मेरे को मतलब अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, तो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे अलग से नंबर डाल के इसको बता रहा हूँ मैं। तो आपके नंबर में ऐसे आपके OTP सफलतापूर्वक आपके मोबाइल में ऐसे करके मैसेज दिखेगा, तो आपके नंबर में OTP जाएगा, उसको OTP को यहाँ पर आपको भर देना है। जो भी आपका OTP जाया रहेगा उस OTP को आपके मोबाइल नंबर में आप दिए रहेंगे वहाँ पे जाएगा, उसको OTP को एक बार उसको भर दे। OTP के जाने के बाद यहाँ पे OTP को आपको भर देना है, उसमें नीचे में आपको 8 डिजिट का ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी के बाद आपको 8 डिजिट का पासवर्ड डाला है, उस पर जो नीचे में दिया रहेगा रेड कलर में पासवर्ड, उस पासवर्ड को 8 डिजिट में वैसे सेम टू सेम आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे उसको सत्यापित कर देंगे, तो फिर उसी इस पर बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद यहाँ पे बैक होने के बाद आपको सीधा आ जाना है, कहाँ पे आना है, इसका जो आगे प्रोसेस है, मोबाइल मेरा रजिस्टर हो गया इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आगे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी आना आएगा, उसके बाद ईमेल आईडी आने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है 8 डिजिट का, जिसपे एग्जांपल के लिए वहाँ पे रेड कलर में दिया है, तो उसको 8 डिजिट का वैसे सेम टू सेम आपको पासवर्ड बना लेना है। यहाँ फिर उसके बाद आपको सीधा लॉगिन कर देना है। तो इसके बाद आपको पासवर्ड और आपको मोबाइल नंबर इस स्टार्टिंग में आ जाएंगे, बैक हो जाएंगे पासवर्ड और उसको लॉगिन करेंगे तो इसके बाद आप सीधा बैक आ जाएंगे, स्टार्टिंग में आ जाएंगे। इसके बाद आपको जो भी मोबाइल नंबर है इसको भर देना है, और इसके बाद जो भी आप पासवर्ड बनाए हैं उसको इसको भर देना है। अगर पासवर्ड को भूल गए होंगे तो उसको फिर से रिकवर किया जा सकता है, तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड इसको आपको भर देना है। तो चलिए जो आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड है इसको भर दें, तो वहाँ भी जो भी आप मोबाइल नंबर है पासवर्ड को भर देंगे, जो पासवर्ड हो सही सही भरना है जो आप पासवर्ड बनाए हैं उसको। इसके बाद आपको सीधा लॉगिन कर देना है, यहाँ पर लॉगिन लिखा है वहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पे ऐसे पेज खुल के आ जाएगा लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पे डैशबोर्ड दिया है, तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे आवेदन करें में सीधा आप जाइएगा। तो यहाँ पे अब हमें आवेदन करना है, तो हम सीधा आवेदन में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, आवेदन करें में जाएंगे, आवेदन भरने के यहाँ पे वाला फॉर्म आपके पास आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। तो कैसे आपको डाटा वगैरह भरना है तो इसमें बताता हूँ। तो आपको पिता का नाम होना चाहिए, जो भी आपका पापा का नाम है, पिताजी का नाम, जन्मतिथि, जो भी आपका जन्मतिथि उसको सही सही भरना, जो भी आपके मार्कशीट आधार कार्ड में सेम टू सेम होना चाहिए वही आपको भरना है। और इसके बाद लिंक, जो भी मेल या फीमेल कैंडिडेट है उसको भर देना है, वाहवाही किसी आप मेरिड है या मेरिड है अनमेरिड है उसको भर देना है, जाति कौन से जाति से बिलोंग करते उसको भरना है, दिव्यांग आप यहाँ पर दिव्यांग थोड़ी है उसको है या नहीं उसको भर देना, तो जो भी आप है या नहीं है उसको भर देना है, और आपके कौन से जाति यहाँ पे आते हैं उसको आपको भर देना है, वैवाहिक तलाक विवाहित है कि नहीं शादी हो चुकी है उसको भर देना है, आपको जन्मतिथि भरना है, लिंग जो भी आपका मेल फीमेल जो भी है उसको भर देना है, रोजगार पंजीयन जो भी आप रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराए हैं उसको भर देना है, फिर इसको एक बार और भर देना है, वेरीफाई कर देने हैं, वार्षिक परिवार जो आपके परिवार के वार्षिक आय है 2.5 लाख से ऊपर होना नहीं चाहिए, जो भी वार्षिक आय है उसको आपको भर देना है, फैमिली में किसी से पूछ लीजिए हम इनकम कितना है उसको भर देना है आपके जो भी परिवार में आए हैं, उच्चतम योग्यता कहने का मतलब है कि आपको कितना कहाँ तक आप पढ़े हैं उसको भर देना है, क्वालिफिकेशन जहाँ तक आप पढ़े हैं 12वीं स्नातक BEd वगैरह जो भी किए हैं उसको यहाँ पर भर देना है, पता
जो भी आपका पता है, जिला कौन से जिला में आप निवास करते हैं, ग्रामीण या शहरी, उसको भरना है। तो जो भी आपका जिला है, फलौदा बाजार, बलरामपुर, जो भी जिला से बिलोंग करते हैं उसको भर देना है। आप ग्रामीण हैं या शहरी, उसको भरना है। कौन से नगर निगम या नगर पंचायत में रहते हैं तो उसको भरना है। वार्ड आपके भरना है। कौन से ब्लॉक में रहते हैं उसको, ब्लॉक, तहसील, जो भी, उसको भर देना है। कौन से गांव या ग्राम पंचायत में आप रहते हैं उसको भरना है। कौन से ग्राम में रहते हैं, गांव में, उसको भरना है। आपको पूरा पता, पूरा पता में पूरा आपको फुल डिटेल डालना है, मतलब कहाँ, कौन से गांव है, कौन से ग्राम पंचायत, कौन से पोस्ट है, और आपके पिन कोड वगैरह, इसमें तहसील, ब्लॉक वगैरह सिर्फ आपको पूरा पता में डाल देंगे। लास्ट में आपका पिन कोड, तो पिन कोड आपको लास्ट में डाल देना है, पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है। इसके बाद आगे आएंगे तो बैंक संबंधी आपको जानकारी भरना है, जिसमें आपका बैंक खाता होना चाहिए। तो इसमें आपको ये आप में इस जो स्टार्टिंग है, यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड डालना है। जो भी आपके बैंक में आईएफएससी कोड है उसको भर देना, चाहे कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, एचडीएफसी, कोई भी बैंक हो। खाता नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ पे होना चाहिए, खाता नंबर लिखा है, खाता नंबर आपको भर देना है। पुनः खाता नंबर दर्ज, फिर से वेरीफाई, आपको फिर से खाता नंबर को डबल भर देना है। दस्तावेज अपलोड करने, आपको जो भी दस्तावेज भरे हैं उसको एक बार उसको पीडीएफ बना के अपलोड करना है। तो आपका 500 केबी के इस आवेदक का फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो जो आपके कैसा होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। सेल्फी वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा, तो होना चाहिए फ़ोटो पासपोर्ट साइज का। रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 500 केबी का फाइल चाहिए, इसके लिए पीडीएफ होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र 500 केबी का, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करें, कहेगा तो इसमें अपलोड कर देंगे। 500 के बीच होना चाहिए। 10वीं कमार का सीट होना चाहिए आपके पास, वो भी यहाँ पे फोटो खींच के स्कैन करके आपको पीडीएफ बना के 500 के बी में अपलोड करने, सारे डॉक्यूमेंट को ना। 12वीं का यहाँ पे अनुसूची आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। 12वीं का आपको सीधा इसमें आ जाएंगे, कौशल शिक्षण हेतु कोर्स से संबंधित जानकारी। तो यहाँ पे अधिकतम 3 सेक्टर यहाँ पे चयन करने दिया गया है, देख सकते हैं। तो जो भी आप इसमें जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो इसको मिनिमम 3 सेक्टर आपको चुनना है। मेडिकल, तकनीक, फ्रंट लाइन, हेल्थ ऑफिस असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे दिया है। तो कोई भी इसमें फील्ड आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मिनिमम 3 यहाँ पे चूज करना है। जो भी आप इसमें जॉब वगैरह देख सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, इसमें आपको 3 में आपको टिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, तो भर देना है। इसके बाद आते हैं आवेदक है तो घोषणा पत्र क्या क्या इसमें दिया, उसको एक बार अच्छे से रीड करना है। तो मुझे वर्तमान में किसी प्रकार का रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त नहीं है, तो इसको भर पढ़ लेना है। जो भी इसमें दिया है डाटा को यहाँ पे, जो भी इसको डिटेल एक बार पढ़ लेना है आपको। उसके बाद आपको इसमें 10,000 रुपये मासिक यहाँ पेंशन हो गई तो नहीं है, नहीं है ऐसा करके आपको पूरा डिटेल एक बार पढ़ने। मेरे परिवार में कोई भी आयकरदाता नहीं, मेरे परिवार में कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट इत्यादि पैसे नहीं है। परिवार के 2,50,000 रुपये यहाँ पे इनकम, मतलब ऊपर नहीं है। ये आपका पूरा डिटेल एक बार पढ़ लेना है। लास्ट में आपको इसको रीड कर लेना है। मैं घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि दी गई जानकारी मेरे द्वारा विश्वास के अनुसार सत्य है, मुझे संज्ञान है। मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो किसी भी स्तर के मेरे बेरोजगारी भत्ता को यहाँ पे प्राप्त, जो पात्रता प्राप्त यहाँ पे समाप्त कर दी जाएगी। मतलब आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे गलत या गलत तरीके से कुछ भी आप यहाँ से होती है तो आपका जो फॉर्म भरें आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको अपात्र कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको रोजगार पंजीयन वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। लास्ट में आपको इसमें क्लिक कर देना है। मैं घोषणा करता हूँ, इसके बाद इसको अच्छे से रेट कर लीजिएगा ना। इसको मेरे परिवार में कोई सरकार में चतुर्थ श्रेणी वगैरह, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। एक बार पढ़ के सबको यहाँ पे घोषणा करके यहाँ पे टिक कर देंगे इसमें यहाँ पे, और इसमें आपको सीधा फाइनल यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप फॉर्म जो कि भरा जाएगा और यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे जाएंगे आवेदन करेंगे तो स्टार्टिंग फिर आवेदन डाउनलोड करें तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो आवेदन सेकेंड में यहाँ पे लिखा है आवेदन डाउनलोड करें, इसमें ना आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आवेदन करें आप फॉर्म को भरेंगे इसमें ना तो उसको डाउनलोड करेंगे, इसमें आवेदन करना है। तो दोनों को देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके अपील वगैरह करना चाहते, जो भी समस्या यहाँ पे दिया गया है तो उसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म भरने प्रिंट आउट डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा लॉग आउट कर लेना है, तो फिर आपका फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाएगा।
तो आपको ऐसे ही फॉर्म को भरना है, तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके आंसर देने का कोशिश करूँ। अगर समझ नहीं है तो आपको ऐसे फॉर्म को भर लेना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो उसको करवा लीजिएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा, और अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और इसमें एक न्यूज़ और देना चाहूँगा, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए शेयर करें करके बोल रहा हूँ, आपके फैमिली में कोई भी मेंबर या आपको जो 2500 रुपया उनके आर्थिक मदद के लिए जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उन लोग की जो आर्थिक स्थिति अच्छा हो सके, 2500 रुपये उन लोग मिल सके, इसका फ़ायदा उठा सके। छत्तीसगढ़ जो सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है, अपने रिलेटिव भाई बहन दोस्त यहाँ पे सबने शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। 2500 रुपया आप प्राप्त कर सकते हैं, आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसी तरह आपको फॉर्म को भर लेना है। तो चलिए, थैंक यू।